हे गाइस, वेलकम टू सुपरवर्स। मेरा नाम है गौरव और आज की वीडियो में हम ब्रेकडाउन करने वाले हैं मार्वल के अपकमिंग एंटी हीरो मून नाइट के ट्रेलर की, जो डिज्नी प्लस पर 30 मार्च को रिलीज होगी। ये ट्रेलर काफ़ी सारी मिस्ट्रीज से भरा हुआ है, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। अगर अभी तक ट्रेलर नहीं देखा तो लिंक डिस्क्रिप्शन पर मैंने दिया हुआ है। तो ट्रेलर के शुरुआत से पहले हम मून नाइट की बेसिक स्टोरी के बारे में जान लेते हैं, ताकि ब्रेकडाउन में कोई भी कन्फ्यूजन ना रह जाए। तो मून नाइट की स्टोरी असल में मार्क स्पेक्टर के साथ शुरू होती है, जो अपनी अर्ली लाइफ में एक मर्सनरी था, बेसिकली एक कॉन्ट्रैक्ट किलर। और आगे चलकर मार्क को बुशमैन से एक कॉन्ट्रैक्ट मिलता है, जो होता है इजिप्ट में आर्कियोलॉजिकल डिग का, जहां मिशन के बीच में सभी को एक स्टैचू दिखाई देता है, जो होता है गॉड ऑफ मून कॉन्शु का। और कॉन्शु मार्क स्पेक्टर की लाइफ में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, लेकिन मिशन के बीच में ही बुशमैन सभी को धोखा देकर उन सभी को ही मारना शुरू कर देता है। और मार्क स्पेक्टर उसे रोकने की भी कोशिश करता है, लेकिन बुशमैन उसे ही मार मार कर अधमरा बना देता है और उसे वही छोड़ देता है। और अधमरी हालत में वो कॉन्शु के स्टैचू के पास पहुँचता है, और उसी टाइम वो मरने की हालत में भी होता है। लेकिन तभी मार्क के सामने गॉड ऑफ मून कॉन्शु अपीयर होते हैं, जो उसके साथ एक डील करते हैं कि मैं तुम्हारी जान बचा लूंगा, लेकिन तुम्हें मेरा एक सेवक बनकर रहना होगा, जो मार्क बनने के लिए रेडी भी हो जाता है। और यहाँ से जन्म होता है मार्वल के एंटी हीरो मून नाइट का। वापस अपनी लाइफ में जाने के बाद मार्क स्पेक्टर दुनिया से मून नाइट की और अपनी रियल आइडेंटिटी को छुपाने के लिए एक अलग ही आइडेंटिटी क्रिएट करता है, जो काफी हद तक बैटमैन के ब्रूस वेन जैसी है। लेकिन कुछ टाइम बाद मार्क एक बहुत ही बुरा मेंटल ब्रेकडाउन फेस करता है, जिस वजह से मार्क को डिसोसिएटिव आइडेंटिटी डिसऑर्डर की बीमारी हो जाती है, जिसमें मार्क स्पेक्टर की बनाई सभी आइडेंटिटी एक साथ मर्ज होने लगती है, जिसके चलते मार्क जब एक आइडेंटिटी में होता है तो उसे बाकी की आइडेंटिटी के बारे में कुछ भी नहीं पता होता। मतलब अगर वो स्टीवन की आइडेंटिटी में होता है तो उस समय वो पूरी तरह भूल जाता है कि वो मार्क स्पेक्टर और मून नाइट भी है। और ये डिसऑर्डर मार्क की लाइफ पूरी तरह बदल कर रख देता है, जो उसे अपनी नॉर्मल लाइफ जीने भी नहीं देती। और अब आते हैं ट्रेलर पे। I can't tell the difference between my waking life and dreams. Hello, and welcome to Staying Awake. तो ट्रेलर की शुरुआत में मार्क स्पेक्टर बेड पर लेटे हुए रूबिक क्यूब को सॉल्व करते हुए दिखाई देते हैं, जो अपने को पूरी तरह एक कमरे में बंद करके रखे होते हैं और अपने मोबाइल में स्लीपिंग ऐप के जरिए जगे रहने की कोशिश भी कर रहे हैं। अगर आप मार्क स्पेक्टर के इन वर्ड्स को गौर से सुनोगे, बिटवीन माय वेकिंग लाइफ एंड ड्रीम्स, तो आपको क्लियरली ड्रीम वर्ड का एक्सेंट पूरा बदला हुआ सुनाई देगा। मतलब ऐसा लग रहा है कि मार्क की आइडेंटिटी वर्डिंग के बीच में ही स्विच हो रही हो। देन हम मार्क को मिरर में अपनी तीन रिफ्लेक्शन के साथ देखते हैं, जो उसकी तीन डिफरेंट आइडेंटिटी को पोर्ट्रे भी करता है। और फिर मार्क को अचानक बैट से उठकर भागते हुए देखते हैं, जो अपने ही फुट हार्डनेस की वजह से ज्यादा दूर तक नहीं जा पाते। इस सीन में एक इंटरेस्टिंग डिटेल भी देखने को मिलती है, यह मार्क ने बैट के अराउंड सैंड रिंग बनाई हुई है। ये इसलिए ताकि मार्क को बाकी आइडेंटिटी का पता लग सके कि वो बाहर से आते हैं या नहीं। सैंड रिंग की ये सेम टेक्निक पैरानॉर्मल एक्टिविटीज में भी यूज की जाती है, जिसमें आटे का इस्तेमाल करके डिमोनिक एक्टिविटी को ट्रैक करा जाता है। देन आपको साइड में ये बुक भी दिखाई देगी। बुक का नाम है एडवेंचर ऑफ द सोल्स, जिसमें बताया गया है कि कैसे ह्यूमन सोल एक डायमेंशन से ट्रैवल करके स्पिरिचुअल डायमेंशन में ट्रैवल करती है। देन हम मार्वल के ब्रांड न्यू इंट्रो को देखते हैं, जो मून नाइट की थीम में ही बनाया गया है। और फिर अगले सीन में हमें ये पता लगता है कि ये सीरीज भी लंदन में टेक प्लेस करती है। अगर आपने इटर्नल्स देखी होगी तो आपको पता होगा कि इटर्नल्स भी लंदन में ही सेट थी। मतलब मार्वल फ्यूचर में लंदन में एग्जिस्ट करने वाले सुपर हीरोज को साथ में लाकर मिडनाइट सन्स के जरिए कनेक्ट करने वाले हैं, जिसमें हमें दो की ऑलरेडी झलक देखने को मिल गई है, जो है ब्लैक नाइट और ब्लेड। We'll catch you on. You're bloody useless. Stevie. Steven. I can't tell the difference. देन हम स्टीवन को बस कैच करते हुए देखते हैं, जहां वो अपनी स्लीपलेस नाइट के कारण दिन में ही नींद में रहता है। अगर ये बस वाले सीन को नोटिस करोगे तो ये सेम बस सीन हमें पिछले टीजर में देखने को मिला था, जहां स्टीवन व्हाइट ड्रेस या केप में दिखाई देते हैं। हो सकता है इस सीन में हम स्टीवन को धीरे धीरे मून नाइट में ट्रांसफॉर्म होते हुए देखें। और फिर हम देखते हैं स्टीवन को म्यूजियम में जाते हुए और उसकी फ्लर्टी बॉस को। स्टीवन इसी नेशनल आर्ट गैलरी में काम करता है, जो एंशियंट इजिप्ट से रिलेटेड भी है।
एंड गाइज, मून नाइट बेसिकली इजिप्शियन कल्चर पर बेस्ड है और इस सीन में हमें इजिप्शियन विंग स्कैरब देखने को मिलता है जो रीबर्थ और रिन्यूअल को रिप्रेजेंट करता है। देन उसी के नीचे दो पजल बॉक्स भी रखे हुए हैं जिसमें नीचे वाले बॉक्स में लिखा हुआ है द बुक ऑफ द डेड। अगर आपको नहीं पता तो द बुक ऑफ द डेड असल में एक फ्यूनरल टेक्स्ट थी जिसमें इजिप्शियन प्रिस्ट द्वारा लिखे कई सारे मैजिकल स्पेल मौजूद है जो एक डेड पर्सन को असिस्ट करता है अंडरवर्ल्ड ले जाने में। थैंक यू। What's the contact lens? Hope you find it. Thanks. Then आता है पूरे ट्रेलर का सबसे थ्रिलर और शॉकिंग सीन, क्योंकि हमें देखने को मिलती है पहली झलक कॉन्शु की, जिसकी हिस्ट्री मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही बताई थी, जिसमें वो अपने स्टाफ के साथ दिखाई देता है। अगर कॉन्शु के हाथ पर गौर से नजर डालोगे तो इसके हाथ को देखकर ऐसा लग रहा है कि ये मोमीफाइड हुआ हो, और फिर स्टाफ के टॉप पर कर मून को देख सकते हैं जो बहुत ही स्कैरी वे में स्टीवन के पास चलता हुआ आता है और लिफ्ट को बंद होने से रोक लेता है। लेकिन जैसे ही लिफ्ट में कॉन्शु एंटर करता है वो एक ओल्ड लेडी में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। Yeah. Oh my God, you're alive. What's wrong with you, Mark? Why did you call me Mark? फिर अगले ही सीन में हमें फिर से स्टीवन को अपनी रिफ्लेक्शन को देखते हुए दिखाई देते हैं, लेकिन जब स्टीवन आगे चले जाते हैं तो उनकी रिफ्लेक्शन वहीं रुकी रहती है। और हमें इजिप्शियन माइथोलॉजी से रिलेटेड यहाँ पर कई आर्टिफैक्ट देखने को मिलते हैं। अगर आप इस आर्टिफैक्ट को गौर से देखोगे तो लेफ्ट साइड में गॉड ऑफ सन रा है और राइट साइड में अनुबिस है, और दोनों ही मिलकर ओसायरस को मोमीफाई कर रहे हैं। देन क्लोजअप में हमें ये क्रोकोडाइल या एलिगेटर की बॉडी जैसा कुछ दिखाई देता है जो एक और इजिप्शियन गॉड अमूट का हिंट देता है। देन हम देखते हैं कि स्टीवन को अपने ही घर में एक फोन रिंग होते हुए मिलता है जो काफी पुराने टाइम का होता है, और साथ में ही उसे इस मोबाइल का चार्जर और एक चाबी भी मिलती है, और ये की असल में होती है मार्क स्पेक्टर की। लेकिन इस सीन में स्टीवन को फोन पर जब अपना नाम मार्क सुनाई देता है जो उसकी दूसरी आइडेंटिटी भी होती है, और अभी तक ट्रेलर में हमें सिर्फ स्टीवन की ही आइडेंटिटी दिखाई गई है। और इस सीन में जो लड़की कॉल पर स्टीवन को मार्क कह रही है वो असल में लायला है जो मार्वल कॉमिक्स में काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। अब एंट्री होती है मून नाइट के मेन विलन आर्थर हैरो की। इस कैरेक्टर को प्ले कर रहे हैं इथन हॉक। आर्थर हैरो कॉमिक बुक में एक पागल साइंटिस्ट होता है जिसका आधा फेस एक डिजीज के कारण खराब हो जाता है, और अपनी इस बीमारी से वो पेन में ही रहता है। लेकिन ट्रेलर में तो हमें कोई भी ऐसा फेशियल डिजीज देखने को नहीं मिला। इनफैक्ट आर्थर काफी स्पिरिचुअल टाइप का दिखाया गया और काफी लोग इसे सपोर्ट भी करते हैं। अगर ये सीन नोटिस करोगे तो ये काफी हद तक मार्वल एवेंजर्स की लोकी स्टाइल जैसा लग रहा है। और इसी सीन में हमें स्टीवन और आर्थर की सिक्योरिटी देखने को मिलती है, और आर्थर की सिक्योरिटी की ड्रेसेस भी काफी हद तक सेम भी है। और साइड में हमें दिखाई देता है पैनकेक ट्रक जो आगे के शॉट में भी देखने को मिलता है। और अगले ही शॉट में आर्थर हैरो क्लियरली स्टीवन को समझाते हैं कि तुम्हारे अंदर काफी क्योस है, जो स्टीवन के इस शॉट से भी पता लगता है। देन हम देखते हैं वही पैनकेक ट्रक को जिसे स्टीवन चलाते हुए या कहे बचते बचाते जा रहे हैं, क्योंकि इस शॉट में स्टीवन का हैरो की सिक्योरिटी से सामना भी होगा जहां पहली बार मार्क स्पेक्टर की आइडेंटिटी रिवील होगी जो इन्हें अच्छा खासा पीटेगा क्योंकि वो एक पावरफुल मर्सनरी भी है। देन ट्रक के इस शॉट से भी पता लग रहा है कि स्टीवन और मार्क की आइडेंटिटी बार बार स्विच हो रही है। देन अगले शॉट में हम इजिप्ट के फेमस गीजा पिरामिड की झलक देखते हैं, और कट टू नेक्स्ट शॉट मार्क को हम किसी टेंपल या हो सकता है ये पिरामिड के अंदर का सीन हो जहाँ मार्क कॉन्शु से दोबारा मिलेगा और फाइनली केओस को एम्ब्रेस करेगा जिससे लगातार स्टीवन भागता भी रहता है। Embrace the chaos. और फिर फाइनली हमें देखने को मिलता है मून नाइट का ट्रांसफॉर्मेशन जो काफी ज्यादा स्टनिंग और इंटरेस्टिंग भी है, क्योंकि ट्रांसफॉर्मेशन में हम एक एक थ्रेड को एक साथ बंधते हुए देख सकते हैं। और फिर इस वाले शॉट को देखकर ऐसा लग रहा है कि जैसे मून नाइट की आइडेंटिटी मार्क को पूरी तरह एम्ब्रेस कर रही है एक ममिफिकेशन फॉर्म में, जो इस ट्रांसफॉर्मेशन को काफी ज्यादा थ्रिलर भी बनाती है। और फिर आता है इस पूरे ट्रेलर का सबसे ऑसम सीन जिसमें हमें मून नाइट को किसी क्रिएचर को अच्छे से पीटते हुए देख सकते हैं,
क्योंकि इसकी लेग इंसान जैसी तो बिल्कुल भी नहीं लग रही। इनफैक्ट मून नाइट यहाँ गॉड ऑफ डेड अनुबिस जैकल को पीट रहा है। और फाइनली हमें देखने को मिलता है मून नाइट का प्रॉपर लुक, जिसमें हम मून नाइट के शाइनी आईज और चेस्ट पर कर मून के सिजिल को देख सकते हैं, जो हो सकता है मून नाइट इस सिजिल को एज अ वेपन यूज करेगा। सो दैट्स ऑल फॉर मून नाइट ट्रेलर। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करें और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर गाइस, सी या। Yeah!